जिस आसन में आप स्थिरता से बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव करें। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन तथा वज्रासन। रीढ़ की हड्डी एवं गर्दन सीधी रेखा में हो, अकड़न ना हो। आंखें कोमलता से बंद, श्वास की गति मंद। दोनों हथेलियां गोदी में, बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर। अंगूठे आपस में मिले हुए। अरहम की धुन के साथ ध्यान का प्रयोग प्रारंभ करें। अरहम 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 अरहम। मन ही मन दोहराएं, मानसिक जप करें, इसका लगभग एक मिनट अभ्यास करें। Sampikkhaye appaga mappaedam Sampikkhaye appaga mappaedam
sampikkhaye appaga mappayenam. आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, अपने आप को देखने एवं जानने के लिए ही हम प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प करें, सभी दोहराएंगे, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं, मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। पूरी स्थिरता एवं जागरूकता के साथ ध्यान की गहराई में उतरने का प्रयास करूंगा। ऐसा संकल्प मन ही मन करें। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग, शरीर को सरलता से सीधा रखें। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी सरल रेखा में, आंखें कोमलता से बंद, श्वास की गति मंद, दोनों हथेलियां गोदी में, बाई हथेली नीचे, दाई हथेली ऊपर, अंगूठे आपस में मिले हुए। इस मुद्रा में बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। दाएं पैर के अंगूठे से सिर तक शरीर के प्रत्येक भाग पर अपने चित्त को ले जाएं। शांत शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। कायोत्सर्ग के दो पक्ष हैं, पहला शारीरिक, शरीर की शिथिलता, शिथिलता से स्थिरता, स्थिरता से सहनशीलता का विकास। बाहर से भीतर से आने वाले विक्षेपों को सहन करते हुए मूर्ति की भांति स्थिरता को बनाए रखें। दूसरा अपने प्रति चैतन्य का बोध। गहरे कायोत्सर्ग में उतरें। गहरे कायोत्सर्ग में उतरने के लिए सबसे पहले अपने चित्त को दाहिने पांव के अंगूठे पर ले जाएं। अंगूठे के पूरे भाग को बंद आंखों से देखें, आगे से पीछे, दाएं से बाएं, बाहर से भीतर। चमड़ी, मसल्स यानी मांसपेशियां, नर्व्स यानी नाड़ियों को पार कर भीतर हड्डी तक जाएं। शांत शिथिल होने का सुझाव दें और उसके शांत शिथिल होने का अनुभव करें। इसी प्रकार शेष उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, कूल्हा एवं कूल्हे का जोड़, प्रत्येक पर अपने चित्त को ले जाएं।
शांत शिथिल होने का सुझाव दें और उसके शांत शिथिल होने का अनुभव करें। इसी प्रकार बायां पैर अंगूठे से कूल्हे तक शांत शिथिल, दायां पांव बायां पांव शांत शिथिल हो गया है। कमर का पूरा भाग दाएं से बाएं तक, नीचे से ऊपर तक, बाहर से भीतर तक शांत शिथिल। कमर से कंधे तक शरीर के मध्य लोक का पूरा भाग, पीछे से पीठ, रीढ़ की हड्डी का एक एक जोड़, सामने से पेट का पूरा भाग, नीचे से ऊपर तक, दाएं से बाएं तक, बाहर से भीतर तक, पेट के भीतर एक एक भीतरी अवयव, बड़ी आंत छोटी आंत, पीछे दोनों किडनीज यानी गुर्दे, ड्यूडनम यानी पक्वाशय, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, लिवर, स्प्लीन, अमाशय और तनुपट यानी डायाफ्राम, प्रत्येक पर चित्त ले जाएं, शांत शिथिल होने का सुझाव दें और शांत शिथिल होने का अनुभव करें। सीने का पूरा भाग बाहर से भीतर, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे शांत शिथिल। सीने के भीतर एक एक भीतरी अवयव, दाई पसलियां बाई पसलियां, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा और हृदय का पूरा भाग शांत शिथिल, शांत शिथिल, शांत शिथिल। अब अपने चित्त को दाहिने हाथ के अंगूठे पर ले जाएं, शांत शिथिल होने का सुझाव दें और शांत शिथिल होने का अनुभव करें। इसी प्रकार शेष उंगलियां, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक का भाग शांत शिथिल, शांत शिथिल, पूरा दाहिना हाथ शांत शिथिल। इसी प्रकार बाएं हाथ के अंगूठे से लेकर कंधे तक एक एक भाग, एक एक जोड़, एक एक संधि, प्रत्येक पर अपने चित्त को ले जाएं, शांत शिथिल होने का सुझाव दें और उसके शांत शिथिल होने का अनुभव करें। गला, गर्दन, स्वर यंत्र आगे से पीछे तक,
दाएं से बाएं तक, बाहर से भीतर तक, शांत शिथिल, शांत शिथिल, पूरा चेहरा ललाट और मस्तिष्क, मस्तिष्क के भीतर एक एक नाड़ी, एक एक रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल, एक एक मस्तिष्क कोशिका यानी न्यूरॉन्स शांत शिथिल, शांत शिथिल, शांत शिथिल होने का सुझाव दें और उसके शांत शिथिल होने का अनुभव करें। पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक शांत शिथिल हो गया है। आपने किया है, आप करने वाले हैं। शरीर, इंद्रियां और मस्तिष्क शांत शिथिल होने वाले हैं। पूरा शरीर शांत शिथिल, यह अनुभव चित्त के द्वारा हो रहा है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। शरीर को अधिक से अधिक स्थिर और निश्चल रखने का अभ्यास करें। हम ध्यान के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। ध्यान का दूसरा चरण अंतर्यात्रा। अब अपने चित्त को रीढ़ की हड्डी के निचले छोर, दोनों नितंबों के बीच, गुदा के पास शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। रीढ़ की हड्डी के भीतर सुषुम्ना के मार्ग से चित्त को ऊपर उठाएं। सिर पर चोटी का भाग ज्ञान केंद्र तक लाएं। पुनः उसी मार्ग से नीचे शक्ति केंद्र पर लाएं। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तथा ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक रीढ़ की हड्डी के भीतर सुषुम्ना में चित्त की यात्रा करें। सुषुम्ना में होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरा ध्यान सुषुम्ना पथ पर, पूरी चेतना को सुषुम्ना में समेट लें। इसका लगभग एक मिनट अनुभव करें।
अब अपने चित्त की गति को श्वास की गति के साथ जोड़ें। श्वास भरें, श्वास छोड़ना प्रारंभ करें। यात्रा नीचे से ऊपर की ओर हो। पूरा श्वास छोड़ने पर चित्त ऊपर ज्ञान केंद्र तक पहुंचे। वहां पर कुछ क्षण रुकें, श्वास भरना प्रारंभ करें। चित्त ऊपर से नीचे की ओर शक्ति केंद्र पर पहुंचे। श्वास और चित्त दोनों साथ साथ चलें। सुषुम्ना में होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरा सुषुम्ना पथ प्राण के प्रकंपनों से स्पंदित हो रहा है। श्वास के साथ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सुषुम्ना में चित्त की यात्रा चलती रहे। श्वास बाहर, चित्त नीचे से ऊपर, श्वास भीतर, चित्त ऊपर से नीचे। इसका लगभग 2 मिनट अभ्यास करें। ये है ध्यान का तीसरा चरण, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। अब अपने चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। धीरे धीरे लंबा धीमा श्वास भरें। श्वास भीतर जा रहा है, नाभि बाहर आ रही है। धीरे धीरे धीमा लंबा श्वास छोड़ें। श्वास बाहर आ रहा है, नाभि भीतर जा रही है। प्रत्येक श्वास के साथ नाभि के अंदर बाहर होने का अनुभव करें। श्वास भीतर, नाभि बाहर। श्वास बाहर, नाभि भीतर। हर श्वास के साथ नाभि के अंदर बाहर होने का अनुभव करें। इसका लगभग 2 मिनट अनुभव करें।
आप देख रहे हैं कि श्वास भरने की अपेक्षा छोड़ने में ज्यादा समय लग रहा है। श्वास की गति को समताल करें, अर्थात जितने समय में श्वास को भरें उतने ही समय में श्वास को छोड़ें। कम से कम 5 की गिनती में श्वास को भरें तथा 5 की गिनती में ही छोड़ें। यदि गिनती कम पड़ रही है तो गिनती की संख्या को बढ़ा सकते हैं, 6 की, 7 की, 8 की, अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन जितने समय में श्वास को भरें उतने ही समय में श्वास को छोड़ें। समताल श्वास के साथ नाभि के अंदर बाहर होने का अनुभव करें। अब अपने चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर केंद्रित करें तथा अपने आते जाते प्रत्येक श्वास के स्पर्श का अनुभव करें। एक भी श्वास ऐसा ना हो जो आपकी जानकारी के बिना भीतर जाए, ना ही आपकी जानकारी के बिना बाहर आए। प्रत्येक श्वास के प्रति पूरी जागरूकता, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, पूरा ध्यान केवल श्वास पर, केवल श्वास। इसका लगभग 2 मिनट अनुभव करें।
ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। अब अपने चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले सेंसेशन, वाइब्रेशन, प्रकंपन, स्पंदन, जो कुछ हो रहा है उसे देखें, प्रेक्षा करें, वॉच इट। सीधी रेखा में मस्तिष्क के भीतर पिन्यूल ग्लैंड तक जाएं। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें, अनुभव करें जैसे पूर्णिमा का चांद उग रहा है, उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही हैं। ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें कि पूरा ज्योति केंद्र श्वेत रंग से भर गया है, क्रोध शांत हो रहा है, आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं, वासनाएं शांत हो रही हैं, मन शांत हो गया है, शांति और आनंद का अनुभव हो रहा है। इसका लगभग 2 मिनट अनुभव करें।
शांति, आनंद, स्फूर्ति, ताजगी से भरे हुए अब हम ध्यान के प्रयोग से वापस लौट रहे हैं। अपना सच में से जा मैं तुम भूए सु कपए अपना सच में से जा मैं तुम भूए सु कपए स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें, प्राणी मात्र के प्रति मंगल मैत्री का भाव। आहंसु वेज्जा चरणं पमोखम् आहंसु वेज्जा चरणं पमोखम् दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए चरित्र और ज्ञान का विकास करें। दोनों हथेलियों को जोड़कर अपने हृदय के भाग पर रखें तथा शरणम सूत्र का उच्चारण करें। अर्हन्ते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि अर्हन्ते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि अर्हन्ते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग के अंतर्गत जो कुछ भी सत्य की अनुभूति हुई उस सत्य को वंदे सच्चम कहते हुए नमन करें। श्वास भरें, वंदे कहते हुए श्वास छोड़ें तथा सच्चम कहते हुए माथा भूमि से लगाएं। वंदे सच्चम वंदे सच्चम वंदे सच्चम